नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत है आपका आपके कृषि यंत्र न्यूज चैनल में। कैसे हो किसान भाइयों? आशा करता हूँ सारे किसान भाई ठीक होंगे। तो किसान भाइयों, आ चुके हैं एक और न्यू महत्वपूर्ण वीडियो के साथ। तो किसान भाइयों, आज एक न्यू महत्वपूर्ण वीडियो में आपके लिए जानकारी लेके आए हैं। क्या जानकारी लेके आए हैं आज आपको बताएंगे। तो किसान भाइयों, अगर जो किसान भाई हमारे चैनल पर नए आए हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ऑल करें ताकि आपको न्यू अपडेट मिलते रहें। और किसान भाइयों, आज बात करने वाले हैं हम कुछ कृषि यंत्र सब्सिडी के बारे में। किसान भाइयों, कल कमेंट आज सुबह के टाइम दो तीन किसान भाइयों के कमेंट आए थे, व्हाट्सएप पर भी आए थे उनके। वो बोल रहे हैं कि जो है जानकारी, कल जो वीडियो आई थी उसमें जानकारी गलत दी गई है। तो किसान भाइयों, जो भी जानकारी अगर गलत दी गई हो तो वो किसान भाइयों आप हमसे बता सकते हैं। लेकिन मैंने उस वीडियो को रिटर्न देखा, लेकिन उसमें कुछ भी ऐसी कोई जानकारी गलत नहीं दी थी और किसान भाइयों सारी ओरिजिनल जानकारी थी। और किसान भाइयों, अगर किसी किसान भाई को प्रॉब्लम है या हम गलत जानकारी देते हैं तो वो और किसी चैनल पर भी वीडियो देख सकता है। अगर और कहीं भी इस यूट्यूब पर कहीं वीडियो देखने को मिलती है कृषि यंत्र सब्सिडी से रिलेटेड, ठीक है किसान भाइयों। अब हम बात कर लेते हैं अपनी सब्सिडी के बारे में। तो किसान भाइयों, आज दो तीन भाइयों के फ़ोन भी आए हैं और कमेंट में भी और व्हाट्सएप ग्रुप पर भी यह बहुत समस्या देखने को मिल जाती है। जैसे कि अब बहुत किसान भाई पूछते हैं कि जैसे कि जो इन सीटू का जो लक्ष्य है वो किस तरह से बढ़ाया जा रहा है, मतलब किसान भाइयों को, किसी भी किसान भाई को पता नहीं चल पा रहा है, तो उसके लिए पता कैसे करें या कहां से जानकारी लें। तो किसान भाइयों, आज उसी के बारे में आज आपको जानकारी देने वाले हैं। तो सबसे पहले तो मैं आपको ये जो नोटिस दिखाता है यहाँ पर वो बता दूँ कि कहता क्या है। तो किसान भाइयों, ये जो नोटिस कहता है, ये कह रहा है कि इसमें जो विभाग का पोर्टल है उस पर कभी भी लक्ष्य बढ़ाया जा सकता है। तो अब अपनी आवश्यकता जितनी आपकी, मतलब जितने यंत्रों का आप क्रय कर सकते हैं, मतलब चला सकते हैं या मतलब लाभ, मतलब आप लेना चाहते हैं उतने का आप लाभ ले सकते हैं, ठीक है किसान भाइयों। अब आपको लक्ष्य किस तरह से बढ़ाया जाएगा, तो इसमें लिखा हुआ है कि आप नियमित समय समय पर आकर इसकी मतलब वेबसाइट को देखते रहें, मतलब अपडेट रहें। उसका वीडियो में हम लास्ट में बताएंगे कि आप लक्ष्य किस तरह से देख सकते हैं कि बढ़ने वाला है, ठीक है किसान भाइयों, क्योंकि बार बार पंजीकरण डालना पड़ता है या आप ऑलरेडी पता कैसे करके रख सकते हैं। ऑलरेडी पता करने के लिए आपको अपने कृषि विभाग के जो अधिकारी होते हैं उनसे संपर्क करना पड़ेगा, ठीक है किसान भाइयों। उनसे अगर आप संपर्क करेंगे तभी आपका लक्ष्य का पता चल सकता है कि ऑलरेडी कब बढ़ने वाला है, ठीक है किसान भाइयों। इसका उनके पास कोई PDF वगैरह आता है, ठीक है, आपको उनसे संपर्क करना है। और किसान भाइयों, अब बात कर लेते हैं जो हमारी सेकंड जिस पर टॉपिक पर हम बात करने वाले हैं, जो है कि आप ट्रैक्टर और रोटावेटर पर कैसे सब्सिडी ले सकते हैं। अब ये बहुत किसान भाइयों को कन्फ्यूजन रहता है कि ट्रैक्टर और हम रोटावेटर पर एक साथ कैसे सब्सिडी ले सकते हैं, ठीक है किसान भाइयों। इसमें आपको क्या करना है, इसमें आपको के पास या तो एक FPO मतलब एक लिमिटेड समूह होना चाहिए, ठीक है, या तो आपके पास कोई सहकारी समिति या फिर गन्ना समिति या पंचायत आप गांव के प्रधान होने चाहिए। जो गांव के प्रधान वाला समूह रहता है वो आपके पास होना चाहिए। इसमें किसान भाइयों, इसमें दो योजनाएं आती हैं ट्रैक्टर और रोटावेटर में, ठीक है किसान भाई। जो बहुत किसान भाइयों को पता है उनके लिए नहीं है, जो इन किसान भाइयों को नहीं पता है उन किसान भाइयों को मैं बता रहा हूँ, क्योंकि बहुत कमेंट आ रहे हैं कि हम ट्रैक्टर किस तरह से ले सकते हैं। अब किसान भाइयों, आप ट्रैक्टर दो योजनाओं के तरफ से ले सकते हैं जिसमें इन्वॉल्व है ट्रैक्टर। कौन सी योजना? एक कस्टम हायरिंग सेंटर है और एक जो है हमारी फार्म मशीनरी बैंक है, ठीक है। अब कस्टम हायरिंग अलग है और फार्म मशीनरी अलग है। फार्म मशीनरी की जो योजना है आपकी वो 15 लाख की है और कस्टम हायरिंग की जो योजना है वो आपकी 10 लाख की है, ठीक है। अब आपको बिल अपने हिसाब से लगाना है, इसमें और भी अन्य यंत्र खरीदने पड़ते हैं ट्रैक्टर के साथ, ठीक है किसान भाइयों। अब इसी योजना में सिर्फ ट्रैक्टर इन्वॉल्व है। अब 2020 में आता था ट्रैक्टर सिंगल, लेकिन अब नहीं आता है, जिस पे जो है 2.5 लाख सब्सिडी आती थी पहले, लेकिन अब वो नहीं आता है, ठीक है किसान भाइयों। अब बात कर लेते हैं जिन किसान भाइयों का टोकन जैसे कि इन सूटों के निकल रहे हैं उनको पता नहीं चल पा रहा। तो किसान भाई, बहुत किसान भाई क्या करते हैं, यहाँ से जाते हैं, फिर इस लिंक पर क्लिक करते हैं, फिर यहाँ से बुकिंग पर क्लिक करते हैं इन सूटों का लक्ष्य देखने के लिए। आपको कुछ नहीं करना है,
आपको सीधा अपने यहाँ पर पोर्टल पर निवन अपडेट वाले ऑप्शन पर जाना है, और यहाँ पर इस वाले ऑप्शन पे करना है यंत्र का की भौतिक लक्ष्य, इस पर आपको वर्ष चुनना है, और अपनी जो इस योजना के बारे में भी आपको लक्ष्य जानना है वो योजना चुन लेनी है। जैसे कि हम इन सीटू का जानना चाहते हैं तो यहाँ पर हमें चुन लेना है प्रमोशन ऑफ एग्रीकल्चर मेकेनाइजेशन इन सीटू, ठीक है। अब यहाँ पर कृषि यंत्र, अब यहाँ पर कर लेते हैं हम जो जिस भी यंत्र का आप देखने जाते हैं, जैसे फार्म मशीनरी का, तो फार्म मशीनरी का अब यहाँ से कुछ लोडिंग लेगा और आपका बता देगा कि कितना कृषि यंत्र का कितने यहाँ लक्ष्य। अब यहाँ से आप और कोई यंत्र ले लीजिए उसका लक्ष्य दे दीजिए, ठीक है। अब इससे भी शॉर्ट मेथड मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। आपको कोई पंजीकरण नहीं डालना, आज एक किस्म का फ़ोन आया कि इतना लंबा प्रोसेस हर बार कौन करके देखेगा, ठीक है। अब मैं जो बताऊँगा उससे भी शॉर्ट, यहाँ पर आपको आ जाना है यंत्र लाभ वाले पे, इस पर आपको नीचे एक ऑप्शन देखने को मिलेगा, ठीक है। आपको यहाँ पर मिलेगा योजना यंत्रवार टोकन रिपोर्ट, इस पर क्लिक करना है। अब यहाँ पर आपको एक 11 वाली और एक 83 वाली योजना देखने को मिलेगी। अब यहाँ पर आपको इस पर क्लिक करना है जहाँ पर ये लिखा हुआ है यंत्र कुल लक्ष्य है, उस पर लक्ष्य दे रखा होगा जितना भी है, आप उसको क्लिक करें। यहाँ से अपना जिला ले लेंगे कोई सा भी, ठीक है। आपका जो 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 भी जिला है वो भी आप ले सकते हैं, ठीक है। उस पर आपको जितना लक्ष्य दे रखा है, जैसे हमारे यहाँ 34 मुरादाबाद में, हम 34 पर क्लिक करेंगे और यहाँ से सारे यंत्रों का लक्ष्य देख लेंगे। तो जो प्रोसेस वो मतलब नंबर OTP मंगा के फिर पंजीकरण करके वो लक्ष्य देखना, उससे आप यहाँ से पहले देख लें, और जैसे ही अगर लक्ष्य बढ़ाओ तुरंत आप वहाँ जाके टोकन निकाल लें, ठीक है। आपको मैंने कई मेथड बताए, आप कृषि विभाग में संपर्क करो या तो ऑलरेडी वहाँ से ही पता चलेगा, वरना आपको कहीं से पता नहीं चलने वाला, ठीक है। आप किसान भाई हो जो हमारे चैनल पर नए आए हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ऑल करें, और व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करने के लिए हमारे कमेंट सेक्शन और डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, आप वहां से जाके हमारा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि वहां पर बहुत महत्वपूर्ण आपको जानकारी मिलती रहती है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।